भी आप जी स्टेडियम जो एकलव्य स्टेडियम है यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो छब्बीस जनवरी का प्रोग्राम गणतंत्र दिवस के प्लस में जो मनाया जा रहा है स्टेडियम है यहाँ पर। आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद है आप सबका और सभी महानुभाव का स्वतंत्रता सेनानियों का सभी परिजनों का विद्यार्थियों का छात्रवृंद का अधिकारियों कर्मचारियों का आप सबका बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज के इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए इस सेशन में अपनी आहुति दी और तिरंगे को सलामी दी और ये प्रण लिया एक सशक्त सफल सजग और संपन्न प्रजातंत्र के सशक्त प्रणाली है और चौहत्तरवें वर्ष में एक सफलता हरियाणा जीवन रखने जा रहे हैं। आज का दिन हमें जहां हमें अपनी उपलब्धियों को इतराने का वक्त देता है फकर करने का एहसास करवाता है नाज रखने का एहसास करवाता है वही आत्म मंथम आत्म विश्लेषण और आत्म विवेचन करने की प्रेरित करता है। ये भी बतलाता है कि विकास की असली उड़ान अभी बाकी है हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो ना पीएम मुक्ति भर जमीन हमने आगे सारा आसमान अभी बाकी है। तो लीजिए आज के इस पावन पर्व पर आपके बीच में देश व प्रदेश की सरकार द्वारा लोक कल्याण में शानदार उपलब्धियां प्रदर्शित करते हुए विभिन्न भागों की घाटिया सबसे पहले हरियाणा रोडवेज जो हमारी जिंदगी के सफर को सुखमय बनाता है हरियाणा रोडवेज की झांकी मंच के सामने से गुजर रही है। हरियाणा थोड़ा आपसे निवेदन है मेरा झांकी इंसान साहिबान से थोड़ा तेज रखे स्पीड थोड़ी 15 की कर ले मैं आपसे तेज बोल रहा कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा राज्य परिवहन जीन दीपो गणतंत्र दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत जीन दीपो में नरवाना सफेदो दीपो समेत जीन में 95 बस आपकी सेवा में सेवारत है। किन्नमित स्कीम के तहत 37 बसे है आधार में 126 बसे है नया बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस है जो अभी जीन के जनता को समर्पित हरियाणा सरकार द्वारा कर दिया गया है। अच्छा जी नगर में 2 बस डिपो सुविधो नरवाना के अलावा 3 छोटे बस स्टैंड अलेवा जिला और उत्तराना में भी है। हरियाणा राज्य परिवहन जीन द्वारा जिले के लगभग हर गांव में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस आधार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत छात्राओं के लिए विशेष मार्गों पर विशेष बसें चलाई जा रही है। हैवी लाइसेंस के लिए हर महीने 140 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रोडवेज की झांकी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो आपके सफर को सुखमय बनाती है। दूसरी झांकी लेके आ रहे हैं जो कि इस देश की प्रगति प्रगति का विशेष आधार है सर्वोत्तम सुख निरोगी काया और इस परिकल्पना को साकार करता है स्वास्थ्य विभाग निरोगी हरियाणा योजना। निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ आपकी राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 29 नवंबर 2022 को धार्मिक कुरुक्षेत्र से किया गया। राहुल जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की गरिमा में उपस्थिति में हरियाणा के सभी जिलों में शुरू की गई और प्रथम चरण में हरियाणा के 26,64,000 अंतर परिवारों के 1 करोड़ से ज्यादा स्पेशों के स्वास्थ्य निःशुल्क जांच की गई। निरोगी हरियाणा योजना का 4 लाख अंतर परिवारों को लाभ मिला और इन परिवारों चुनाव हरियाणा आयुष्मान भारत के तहत भी 5 लाख से ज्यादा रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ प्रति वर्ष सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पताल में दिया जाता है। और स्वास्थ्य विभाग आपकी इस झांकी का नेतृत्व खुद स्वयं डॉक्टर रमेश पंचाल जी उप सिविल सर्जन निरोगी हरियाणा अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आपके नागरिक अस्पताल टीम की सेवाओं के लिए उनका आभार जताए आगे चलते रहिएगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा रोकिए मत चलते रहिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु पश्याणि मां काशी को भाग भवे यही हमारा उद्देश्य है। अगर हम स्वस्थ हैं कुशल हैं तो देश की बाबूदेव विकास में अपना योगदान दे सकते हैं यही है स्वास्थ्य विभाग का नारा। अब आपके समक्ष इसी का दूसरा अध्याय आयुष विभाग हर घर आयुर्वेद हर घर रहे निरोग और हर घर हो योग
जोरदार तालियों के साथ आप विश्राम कीजिए। आयुष विभाग की सुंदर झांकी कोशिश करती है कि आयुर्वेद और योग की अपनी दिनचर्या में अपना कर हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और संपन्न रह सकते हैं। पर जो जानते हैं मोटे राज के वंश के रूप में मनाया जा रहा है, मोटे राज के आयुर्वेद का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। सूर्य नमस्कार के 12 चरणों को सुंदर रूप से प्रदर्शित किया गया है। पंचकर्म चिकित्सा का विशेष प्रदर्शन इसमें किया गया है। इन सबको देखते हम कह सकते हैं हर घर आयुर्वेद, हर घर होम योग, हर व्यक्ति आपके समक्ष यत्र नारेश पूजन्ते तत्र नमन्ते देवता महिला एवं बाल विकास विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हुए हर घर की इसी में शान के बेटी का हर घर हो सम्मान। बेटी के जन्म लेने पर कुआं पूजन और थाली बजाते हुए और हमारे रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने की प्रेरणा देते हुए और जीत जिला इस बात का द्योतक है। माननीय उपायुक्त महोदय को विशेष रूप से मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि हमारा जीत जिला लिंग अनुपात के संतुलन में हरियाणा प्रदेश में दूसरे नंबर पर है और जल्दी हम एक नंबर पर आने वाले हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा आप इसके लिए भी। पांचवें झांकी के रूप में आपके बीच में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। जहरीले कीटनाशकों के दुष्प्रयोग से हमारी भूमि बीमार हो रही है, खाद्यान्न की गुणवत्ता कम हो रही है, उसी से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यह संदेश कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा झांकी के माध्यम से दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती अपनाओ और पर्यावरण बचाओ, जहर मुक्त खाना खाओ, बाजरा खाओ, कुपोषण भगाओ, हर्ष पुष्ट हो जाओ। हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को दिया जा रहा है फ्री प्रशिक्षण। गाय खरीदने हेतु 25,000 रूपए अनुदान, जैविक खाद बनाने हेतु ब्रह्मों पर अनुदान। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अवसर पर जहर मुक्त खेती बनाने का और खनिज लवण देश से भरपूर बाजरा लाने का हम पर्व ले इस पावन पवित्र अवसर पर।